नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका नैमी चंद कुशवा ब्लॉग में। आज मैं आपको दिखा रहा हूँ चारपाई कैसे बनाई जाती है। देखिए चारपाई बनाई जा रही है, ये जोगेंद्र कुशवा चारपाई बना रहे हैं। आपको नज़दीक से दिखाते हैं और समझने की कोशिश कीजिए। इसमें छः उठाती हैं, छः दबाती हैं। देखो ये यहाँ तक हो गया, अभी यहाँ से ऐसे रस्सी घुमाएंगे, ये हो गई। ये किसका रहे, इसे बुनते हमारे यहाँ कुत्ता, आपके यहाँ क्या बोलती हैं कमेंट बॉक्स में बताएं इसे। ये जो रस्सी लगी हुई है, और ये देखो ऐसी रस्सी निकाली, और ये देखो इधर से, अब ये ऐसे घुमाएंगे। अब यहाँ खींचना पड़ता है, तो मैं ये रस्सी को खींचता हूँ। देखिए ये रस्सी जो है, कहाँ से खींचे गई, यहाँ से। देखो इसे खींचा जा रहा है, देखो ये मैं खींच रहा हूँ इसको, ये खींच गई। अब इसे देखो ये जोगिंदर संभालेंगे। ये गांव में बनती हैं और शहर वगैरह में तो कौन बने, किसके पास इतना समय है, लेकिन हम तो गांव के रहने वाले हैं, हमारे जीवन में तो चारपाई का बहुत बड़ा महत्व है। इसके बिना बच्चे कहाँ सोए हैं, घर पे अगर बेड वगैरह होता है फिर भी इनकी ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि जब बाहर लेटना होता है तो इसको ले जा कर लेट जाओ, गर्मियों में लाइट नहीं आ रही है तो कहीं छत पर ले जा कर लेट जाओ। ये देखो अभी पूरा चक्कर लगने वाला है, आप कमेंट बॉक्स में बताएं चारपाई बनाना कौन कौन जानता है। ये देखो ये रही पूरी चारपाई, ये इस तरीके से मैं दिखाता हूँ आपको ऐसे। ये देखो ये देखो, ये मेरा छोटा सा घर है, ये सामने कमरा है, इसमें मैं रहता हूँ। ये हमारी एक गाड़ी खड़ी हुई है, ये सामने हमारे गांव का सरकारी स्कूल, बच्चे इसमें पढ़ते हैं और छुट्टी हो जाने के बाद बच्चे इसमें थोड़ा सा क्रिकेट भी खेल लेते हैं। और इधर से आकर के ये जोगेंद्र कुशवा खटिया बना रहे हैं हमारी, इनका बहुत बहुत धन्यवाद। ये काफ़ी समय से टूटी पड़ी थी, और आप बने रहिए मेरे ब्लॉग पर, सपोर्ट करते रहिए, अपना ख्याल रखिए, फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।